राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि 140 करोड़ रुपए से अधिक जनसंख्या वाले अपने देश में केवल सरकार की तरफ से समाज सेवा की अपेक्षा करना गलत है। समाज सेवा के लिए हर किसी को पहल करने की जरूरत है। देश को अपना समझकर हर व्यक्ति को समाज सेवा के लिए पहल करनी होगी। समाज सेवा ठेका लेकर नहीं किया जा सकता। वे मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में श्री सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट की ओर से संचालित दीनदयाल थाली के सांध्यकालीन मोटा अनाज थाली के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। अधिष्ठाता कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मोहन मते, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, मेडिकल के डीन डॉ. राज गजभिये, श्री सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व महापौर संदीप जोशी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर भागवत ने कहा कि आज के दौर में अनाज, वस्त्र व निवास के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत जरूरत है, पर देश की जनसंख्या को देखते हुए शासन और प्रशासन हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। जब तक देश के हर वर्ग में समानता नहीं आती, तब तक सेवा जारी रखने की जरूरत है। सेवा के भाव में स्वार्थ की जगह अपनापन झलकना चाहिए। करुण के महत्व को जगाने के लिए नागपुर में हुए C20 की बैठक में मंथन हुआ, करुणा का ग्लोबलाइजेशन होना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान संदीप जोशी ने प्रस्ताविक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल में अब दीनदयाल थाली दोनों पालियों में उपलब्ध रहेगी। संचालन रेणुका देशकर ने किया आभा पराग सराफ ने माना। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय या क्षेत्राचे आमदार मोहन जी मते, माननीय जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, माननीय आयुक्त राधाकृष्णन जी, या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता सन्माननीय डॉक्टर राज गजभिये जी यांच्यावर उपस्थित दीनदयाल थालीचे सर्व संचालक मंडळी, माझे सहकारी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित सर्व नागपूर शहरातील गणमान्य नागरिक बंधुभगिनी, श्री विनायक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष संदीप जोशी, आपल्या क्षेत्राचे जनप्रतिनिधी मोहन मते, डॉक्टर गजभिये, आदरणीय राधाकृष्णन जी, आदरणीय विठ्ठलजी, उपस्थित सर्व मान्यवर सज्जन माता भगिनी, आप सबकी सुविधा के लिए मुझे हिंदी में बोलने की सूचना होती है। कार्यक्रम तो काम के लिए आए थे वो तो हो गया। सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट का एक अगला कदम, एक वक्त का भोजन देना, अब दो वक्त का भोजन। तो मुझे लगता है कि भरड़ थाली यानी मिलेट्स, ये मिलेट ईयर है जिसे उसका विशेष बोलबाला हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं हमारी परंपरा में भी और हमारे इस इलाके में भी वो एक हमारा सामान्य भोजन है, घर घर में बनता है, तो घर का भोजन शाम को भी मिलेगा, ऐसी एक सुविधा करना। उस मिनट हम यहाँ आए थे, वो काम हो गया, हेल्थ कार्ड देना हो गया। संघचालक मोहन जी बाबर, आमच्या विराजमान नागपूरचे जिल्हाधिकारी माननीय इटनकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त सन्माननीय राधाकृष्णनजी, मेडिकल कॉलेजचे आपले डीन डॉक्टर राज गजभियेजी, आमच्या विराजमान सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्टचे आमच्या दीनदयाल शाळेचे प्रणेते माननीय संदीप जोशी, माननीय बालाजी सराफ, माननीय डॉक्टर भगवत जिगिरी, त्यांच्या विराजमान सर्व सन्मान्य मंडळी, तसेच मातृशक्ती आणि वंदन खऱ्या अर्थानं मागे साडेपाच वर्षापासून माननीय संदीपजींच्या नेतृत्वात दीनदयाल थाळी जी मध्य प्रदेश असो, छत्तीसगड असो, त्या विदर्भातील दुर्गम
कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।